हे गाइस, अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे बेल के आइकन को क्लिक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने बेल के आइकन को क्लिक नहीं करा तो आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। साथियों, मेरा नाम विजय है और आप मेरे साथ ई पाठशाला के चैनल पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल की स्टडी करते हैं। आने वाले समय में हम और टीचर्स को भी लेके आने वाले हैं चैनल के ऊपर, लाइक इकोनॉमिक के टीचर, मैथ्स के टीचर। जैसे जैसे पॉसिबिलिटी होगी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथियों, ये क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर नंबर 3 है और चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी कि इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेटिव, ये वीडियो का पहला पार्ट है और आज हम पहला पार्ट इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ इनक्रेडिबल तरीके से आप इस चैप्टर को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या नई चीज़ें जो हैं ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर नया है। तो टॉपिक अगर मैं आपको कोशिश करवाऊँ पहचानने की चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन के डिफरेंट मेथड होते हैं वो क्या है, चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं, और उसके द्वारा अगर इतनी सारी कंट्री है तो हमारे देश ने किस इलेक्शन मेथड को, सिस्टम को अपना रखा है। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो चुनाव का इम्पोर्टेंस यानी कि जो इलेक्शन है वो क्या फ्री एंड फेयर प्रोविज़न जो दे रखा है उसकी ज़रूरत क्यों होती है इलेक्शन के अंदर, यानी कि अगर किसी भी देश में चुनाव हो रहा है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होना क्यों ज़रूरी है, फ्री एंड फेयर होना क्यों ज़रूरी है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती होंगी इसीलिए। एंड देन हम जानेंगे कि भाई चुनाव इतने सालों से हो रहे हैं, चुनाव हमारा 1952 से स्टार्ट हो चुका था, तो भाई इतने सालों से अगर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में क्या क्या सुधार की अभी भी ज़रूरतें हैं। तो दोस्तों, ये सब वीडियो का पूरा ओवरऑल व्यू है, पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू है जिसमें हम पूरे चैप्टर के अंदर यही सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। बड़े लोकतंत्रों में चुनाव एक आवश्यक है, मतलब बड़े लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यकता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ चुनाव यानी कि इलेक्शन। इलेक्शन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें कोई भी नेता, कोई भी जो लीडर होता है ना हमारा, उस लीडर को उसी समय नॉर्मल जनता जो होती है, कोई भी जनता मान लीजिए, कोई भी लोकल पर्सन जो 18 साल से बड़ा है वो अपने लीडर को चुन सकता है। और चुनाव ही एक ऐसा जरिया है जो हर 5 साल में होने होते हैं या किसी कारणवश 5 साल से पहले भी हो जाते हैं। तो वो एक ऐसा प्रोसेस होता है इलेक्शन जिसमें लीडर को चुना जा सकता है या हटाया जा सकता है, यानी कि इलेक्शन इज नेसेसरी फॉर द लार्ज डेमोक्रेसी। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री है, कोई भी ऐसा देश जो स्वतंत्र है और वहाँ पे इलेक्शन होता होगा, तो भाई ऐसी बड़ी जनसंख्या के अंदर चुनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक पहलू को खोलेंगे, आपको समझाएंगे कि चुनाव एक ऐसा जरिया ही नहीं कि बस नेता को चुन लिया और बस ख़त्म। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी लीडर को चुन के एक बड़ी पोस्ट पे भेजने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो हम अब चुनाव तो हमने जान लिया कि चुनाव एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी भी नेता को चुन सकते हैं, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो अपने लीडर को चुनाव के पर्पस, चुनाव के थ्रू ही, यानी कि जब इलेक्शन होता है तो अपने लीडर को चुन सकता है। लेकिन दोस्तों, अब डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे इलेक्शन होते हैं ना, इतने टाइप के इलेक्शन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट इलेक्शन दोनों ही है और हमें इसमें समझना होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जो सही मायने में चुनाव के हिस्से ही हो गए। अब देखिए, तो हम समझते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले आपने जान लिया डेमोक्रेसी या चुनाव जो है वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि भाई यही एक जरिया होता है जिससे हम अपने नेता को चुन सकते हैं, अदरवाइज उसी समय हम उसको हटा सकते हैं, वरना हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होते क्या है? दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्शन हो गया ना कि सिटीजन डायरेक्टली सीधे ही सरकार के कामकाज में भाग ले सकती है, सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। यहाँ पर नॉर्मल जनता जो है अपने ही नॉर्मल लोगों की तरह किसी लीडर को चुनती है और वो डायरेक्टली सरकार के कामकाजों का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने ग्राम सभा के लिए ले रखा है। जैसे गाँव के अंदर ग्राम सभाएं होती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे एक अच्छा उदाहरण और सटीक उदाहरण है कि गांव के अंदर ग्राम पंचायत, ग्राम सभाएं जो होती हैं वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। अच्छा, अब अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बात करें, जहां पर अब जनसंख्या इतनी बड़ी है हमारे देश के अंदर, तो हर जगह हम जनता का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विशाल जनसंख्या वाले बड़े देश के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह असंभव है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मल जनता, मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मल जनता अपने लीडर को चुनती है, ठीक है, लीडर को चुन लिया, ठीक है भैया, जैसे हमने चुन लिया अपने पीएम को, चुन लिया हमने अपने एमएलए को, चुन लिया हमने अपने काउंसलर को, चुन लिया किसी को भी चुन लिया। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जो चुने हुए लोग होते हैं ना, चुने वो प्रतिनिधि वही लोगों को चुनते हैं। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वीडियो और एंड तक आने लगेगी तो आपको काफ़ी हद तक और चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पर चुने हुए लोग ही अपने से बड़े लोगों को चुनते हैं, जैसे हम प्रेसिडेंट को नहीं चुन सकते, हम गवर्नर्स को चुन नहीं सकते, यहाँ पर इन्हें कौन चुनता है, यहाँ पे वही लीडर चुनते हैं लोगों को जिनको नॉर्मल जनता चुनती है। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहाँ पे नागरिकों की भूमिकाएं होती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नागरिकों की भूमिकाएं नहीं होती है। तो अब क्योंकि हम ये चीज़ बात कर रहे हैं हर जगह में, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन की और हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन की। डायरेक्ट इलेक्शन वो जिसमें नॉर्मल जनता पार्टिसिपेट करे, इनडायरेक्ट इलेक्शन वो जिसमें नॉर्मल जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, आप छोटा सा ये भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि अगर हम इलेक्शन के बारे में बात करें और इंडिया के बारे में बात ना करें तो ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें समझना है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया के अंदर कैसा है और इंडिया के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, चुनाव हमारे देश में 1952 से हो रहे हैं और चुनाव में हमारे देश के अंदर बहुत अलग अलग तरीके हैं। वैसे तो बेसिकली दो तरीके हैं जो मेथड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब अपनी क्लास के अंदर जब आप क्लास मॉनिटर की वोटिंग करते हैं, वो भी तो एक तरीके का चुनाव हो गया, है ना। हम कहते हैं कि कौन क्लास मॉनिटर बनेगा, अपने हाथ उठाओ, है ना, तो ऐसे तरीके से वो भी एक इलेक्शन ही हो गया। तो यहाँ पर भी इंडिया जो है वो दो ही मेथड फॉलो करता है, और वो हमारा जो मेथड है फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते, एक तो ये सिस्टम, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातित प्रतिनिधित्व। ये हमने दो सिस्टम हमने अडॉप्ट करे हुए हैं और यही सिस्टम और भी कंट्रियों ने भी अडॉप्ट करे हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीतेगा। एक इस डायग्राम से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि रेस के अंदर अगर 100 लोग घुड़सवारक भाग रहे हैं, हॉर्स राइडर भाग रहे हैं, इनमें से जीतता सिर्फ एक ही है जो सबसे आगे होता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, यानी कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लुभाने के लिए अलग से अलग तरीके अपनाती है, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है, तो इसी वजह से फर्स्ट पास द पोस्ट जो है वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट यानी कि FPTP शॉर्ट में है, ठीक है, तो इसे समझना ज़रूरी है। इसमें नॉर्मल सा ये कि जो उम्मीदवार होता है ना, जो लीडर खड़ा हो रहा होता है, उसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिल जाना चाहिए, बस उसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो बंदा लाखों लोगों में से या हजारों लोगों में से या 100 लोगों में से सबसे पहले आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो सबसे आगे आ जाता है तो वो बंदा जीत जाएगा। यानी कि इलेक्शन में भी ऐसा होता है, अगर मैं बात करूँ 100% वोटर्स हैं, ठीक है, 100% वोटर्स हैं और 100 ही लोग क्या कहते हैं सीट पे खड़े हुए हैं,
100% वोटर्स में मैं कह सकता हूँ कि 10,000 वोटर्स हैं जिनको चुना जाना है, 100 लोगों को चुनना है 10,000 वोटर्स ने। अब 10,000 वोटर्स ने 100 लोगों को चुनना है, तो जो बंदा फर्स्ट आया है ना उसको चुना है सिर्फ और सिर्फ, मैं बोल सकता हूँ मान लीजिए एक रैंडमली आंकड़ा ले लेते हैं, जो बंदा फर्स्ट आया है ना उस बंदे को चुना है लगभग, मैं मान के चलूँ 500 लोगों ने, बस 500 लोगों ने फर्स्ट पर्सन को चुना है। और जबकि दूसरे तीसरे चौथे नंबर पता नहीं कितने कितने लोग आए होंगे जिनको 100 200 150 250 वोट मिली है, लेकिन 500 वोट पहले पर्सन को मिली है। तो मैटर ये नहीं करता कि 500 मिली है 501 मिली है, मैटर ही करता है कि सबसे ज़्यादा मिली है, दैट इज़ वाई ही केम फर्स्ट, इसीलिए वो फर्स्ट आया बंदा, ठीक है। और बाकी जो दूसरे वोटर्स को सीटें मिली है या दूसरे वोटर्स को चाहे 250 मिली हो चाहे 499 ही क्यों ना मिली हो, लेकिन हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट यानी कि जो सबसे आगे वही जीतेगा, ये प्रणाली हमारे देश ने अपनाई हुई है। और यही सिस्टम 499 लाने वाला बंदा भी फेल हो जाता है, लेकिन 501 502 वाला पास हो जाएगा। ये रैंडमली एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बाकी आपकी किताब के अंदर एक कट पेस्ट कॉपी बनी हुई है जिससे आप समझ भी सकते हैं, और उसमें भी आपको यही समझाने की कोशिश करिए कैसे जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर इलेक्शन जो है कांग्रेस की सरकार जो थी वो कितने परसेंटेज वोट लाती है लेकिन फिर भी वो जीत जाती है, वो क्या कारण था, वो यही कारण था। अच्छा, अब हमारे देश के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम जो अपनाया गया है, लोकसभा के अंदर जब हम अपने एमपी को चुनते हैं अपने, तो एमपी को चुनते हैं तो वो भी इसी सिस्टम से चुना जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि अपने एमएलए को चुनते हैं तो भी यही सिस्टम अपनाया जाता है। लोकल बॉडीज यानी कि काउंसिल मिनिस्टर को चुना जाता है तो भी यही अपनाया जाता है। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर। और ये सिंपल सा एक तरीका होता है, इस तरीके से हम अपने नेता को बहुत आसानी से चुन भी लेते हैं और ये सिस्टम लोगों को बहुत आसान लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को आसानी से एक तो समझ में आ जाता है, इट इज़ ईजली टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल। और यहाँ पे मतदाता जो होता है, वोटर जो होता है, अपनी रुचि के हिसाब से क्या कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चुन सकता है। यानी कि मुझे मैटर ये नहीं करता है कि मेरे पूरे जोन के अंदर 100% खड़े हुए 200% खड़े हुए, निर्दलीय से ये पार्टी खड़ी है उससे वो पार्टी खड़ी हुई है। यहाँ पे नॉर्मल जनता जिसको अच्छा लग जाता है उसको चुन लेती है। और यहाँ पर इलेक्शन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मान लीजिए कि मैं बोलूँगा एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, दिल्ली में चुनाव होने हैं तो दिल्ली के अंदर कहाँ चुनाव होने, मैं बोलूँगा यार साउथ दिल्ली के अंदर चुनाव होने, तो अगर साउथ दिल्ली के अंदर चुनाव होने तो सिर्फ यहीं चुनाव होंगे और कहीं चुनाव नहीं होंगे। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे ये सारे के सारे कैंडिडेट डिपेंड करेगा अपने वोटर्स को कितना ज़्यादा मतलब उम्मीद दिलवा सकते हैं, कितना ज़्यादा उनसे प्रॉमिस करके उनको कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वोटर्स के मन में है। वोटर उनकी रुचि के हिसाब से उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको आसानी से चुन लेता है क्योंकि मेथड बहुत आसान है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग भी होते हैं जिनसे कांटेक्ट लेता है, और यहाँ पे हमेशा मतदाता जो होता है ना वो हमेशा उम्मीदवार के गुणों के बारे में जानता है कि भाई ये वोटर्स कैसा है, वो वोटर कैसा है, वो वोटर कैसा है। तो स्थायी सरकार का गठन करने के लिए काफ़ी अच्छा बेटर एक तरीका है कि मेजॉरिटी सिस्टम, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम अपने अपना रखा है, साधारण बहुमत प्रणाली। बहुमत प्रणाली का मतलब यही है कि चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे काउंसिल मिनिस्टर हो, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगी वो बंदा सरकार बना लेगा। सिंपल सा तरीका जो जनता को आसानी से उनके भेजे में घुस जाता है। अच्छा, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ना इससे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग ही हो गया ये। ऐसा होता इसलिए कि यहाँ पे जो बेचारे जिनकी छोटी भी पार्टी है ना उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। अल्पसंख्यकों के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली का इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। ये क्या है, थोड़ा डीपली समझते हैं इसे। डीपली समझने का तरीका देखिए क्या है, इसकी विशेषता यही होती है कि पूरे देश को ना एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट देता है, पूरे देश को। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पूरा का पूरा होलैंड है, पूरा का पूरा नीदरलैंड है और पूरा का पूरा इसराइल है। एक रैंडमली एक वो ले लेते हैं, रैंडमली एक वो ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है, ठीक है। ए पार्टी को वोट मिला सिर्फ और सिर्फ 50%,
ठीक है, बी पार्टी को वोट मिला सिर्फ और सिर्फ 12%, सी पार्टी को वोट मिला सिर्फ और सिर्फ 9%, और डी पार्टी को वोट मिला सिर्फ और सिर्फ 5%। फर्स्ट पास द पोस्ट ये कहता है कि ए परसेंट वाले को, जिसको सबसे ज़्यादा मिली है ना सीटें, वही सरकार बनाएगा और वही हमारे लेजिस्लेटिव या जो भी जहाँ पे बैठना होता है, जहाँ पे सरकार बना के बनाई जाती है, बैठते हैं फिर लोग, वो बनाएंगे। तो ये हमारे भारत में यही होता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जिस बंदे को जितनी परसेंट सीटें मिली है ना, उतनी ही परसेंट उनको रिप्रेजेंटेशन उनके पार्लियामेंट के अंदर दिया जाएगा। यानी कि ए परसेंट के 50% बंदे जो होंगे वो सिलेक्ट होंगे, बी के 12, सी के 9 और डी के 5। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे पूरे देश को एक ही उसमें बांटा जाता है, और यहाँ पे जनता किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी को देखकर वोट नहीं करती है, यहाँ पे पार्टी की क्वालिटी को देख के वोट करती है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, नॉट वोट फॉर द पर्सन। क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर किसी पर्सन को वोट करा जाता है, और यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करा जाता है। किस देश के अंदर ये अपनाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है, इसराइल, नीदरलैंड एंड होलैंड, उसके बाद अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल, ये ऐसे देश है जहाँ पे ये अपनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सही तरीका, कुछ अलग तरीका मैं बोल सकता हूँ, शायद से हमारा भारत देश भी ये कर सकता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं करता। अच्छा, अब अनुपातित प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी दो तरीके हैं, सिंगल ट्रांसफेवर वोट सिस्टम एंड लिस्ट सिस्टम। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सिंगल ट्रांसफेवर वोट सिस्टम के अंदर होता क्या है, क्योंकि ये सिस्टम जो है क्या कहते हैं, थॉमस हेरे ने बनाया है, इसलिए इसे हेरे सिस्टम भी बोला जाता है, और उन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी थी, मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। दो बुक है जो इन्होंने लिखी थी, और उसने बताया कि किस तरीके से हम अपने भारत देश के अंदर इस सिस्टम को अपना सकते हैं। तो हमने सिंगल ट्रांसफेवर वोट सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये हमने अपना रखी है। इसके फायदे क्या होते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यहाँ पर वोटों का ट्रांसफेवल हो सकता है, यहाँ पे वन वोट एंड मेकिंग ऑफ द प्रेफरेंस हो सकता है, और यहाँ पे कोटा सिस्टम हो सकता है। और कोटा सिस्टम की वजह से हमने ये सिस्टम अपने राज्यसभा के अंदर अपना रखा है। तो राज्यसभा के अंदर हमने ये सिस्टम क्यों अपनाया है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर है, यानी कि हमने पूरे पूरे क्या कहते हैं देश के अंदर, तो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपना रखा, यानी कि सर्वदाई जीतो प्रणाली। लेकिन राज्यसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ये क्या कहते हैं सिस्टम अपना रखा है, जिसे हम एकल संक्रमण मत प्रणाली बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि पूरी की पूरी जो राज्यसभा होती है ना, उसका इलेक्शन इसी से ही करवाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी स्टेट होते हैं ना, वहाँ पर राज्यों की सीट पहले से तय कर दी जाती है। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि दो तरह के चुनाव होने, राज्यसभा के भी होने, लोकसभा के भी होने। लोकसभा का चुनाव होगा उसी तरीके से जो हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इससे अपना रखा है, तो हम उससे करवाते हैं। जबकि राज्यसभा के लिए हम इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें पहले ही रिजर्व कर देते हैं कि राज्यसभा के लोग इतने ही चुने जाने हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं वोटिंग होती है। और मेरा आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो क्वेश्चन का कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर इसको कमेंट करते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ भाई, आप मेरे काम को सराहना दे रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर हम सीटों को बांट देते हैं। तो आपको कमेंट करके तो बताना है उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बना रखी है। लेकिन ये जीके का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट जो राज्यसभा की सीटें हैं वो किस स्टेट के अंदर है और कितनी है, और लोएस्ट जो है वो किस देश किस राज्य के अंदर है और कितनी है। ठीक है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट दोनों बतानी है, कितनी सीटें हैं और किस राज्य के अंदर है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हम पहले से ही बोल देते हैं कि इस राज्य के अंदर इतने राज्यसभा के मेंबर जो हैं चुने जाने हैं, और फिर फाइनली चुने हुए लोग ही इनको चुनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे राज्यसभा में संसद, सांसद, विधानसभा के मेंबर हो गए वही इनको चुनते हैं, एमपी हो गए वही इनको चुनते हैं। अब यहाँ पे एवरी वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे
जो राज्यसभा के संसद के सदस्य को चुनना है तो वो तो एमपी चुनेंगे, जो लोकसभा के होंगे या विधायक जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं लोगों को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यूनतम कोटा बोल देते हैं और इस तरीके से हम लोगों को चुनते हैं। मान लीजिए कि इस कोटे के हिसाब से चुने जाने हैं, मान लीजिए कि किसी राज्यसभा के अंदर से हमें 4 उम्मीदवार निकालने हैं। अगर 4 उम्मीदवार निकालने हैं और 200 वोट हैं, तो भाई ये एक फॉर्मूला है जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर 4 उम्मीदवार निकलने हैं किसी स्टेट से, तो इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको इतने वोटों की ज़रूरत है। जैसे 200, 200 को मैंने 5 से प्लस कर दिया तो ये काट दिया मैंने, तो ये हो गया लगभग कितना, 40, 40 और 41, यानी कि हर एक कैंडिडेट को 41 वोट चाहिए अगर 4 कैंडिडेट किसी स्टेट से चुने जाने हैं। तो ये डिपेंड करता है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, कि वो किन लोगों को चुनते हैं। ठीक है, लिस्ट सूची में क्या होता है, सरकार पहले से एक लिस्ट बना देती है, ये तो हमने अपने देश के अंदर अपना ही रखा है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे भारत देश ने इनमें से कौन सा सिस्टम अपना रखा है, क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव या हमने बोला कि फर्स्ट पास द पोस्ट। तो इट इज़ सिंपल सिस्टम, जो हम चाहते नहीं कि हमारे देश के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो, इसलिए हमारे भारत जैसे देश ने इतनी बड़ी जनसंख्या होने की वजह से फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीतों की प्रणाली हमने अपने क्या कहते हैं राज्य और लोकसभा के चुनाव के अंदर अपना रखी है, जबकि राज्यसभा के चुनाव के अंदर हमने थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव भी अपनाया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उम्मीदवारों को ये ठीक लगता है, इसीलिए इसे हमने अपना रखा है, और यहाँ पे हम आसानी से किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनते हैं और वहाँ पे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट करवा देते हैं। इससे डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग जो हैं आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ वाई सिस्टम हमें ठीक लगता है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना है, जो मैंने आपको बताया कि दोनों में अंतर क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, राज्य कई विधानसभाओं के अंदर निर्वाचित हो जाते हैं, इसमें पूरा देश जो है एक ही सिंगल उसमें रहता है। यहाँ पर छोटे जो टेरिटरीज होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है, इसमें लार्ज टेरिटरी जो है वो रहती है। इसमें बोल सकते हैं कि वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा चुना जाना है, जबकि यहाँ से तो एक से ज़्यादा भी चुने जा सकते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, यहाँ पे पूरी पार्टी को वोट दिया जाता है, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा क्या कहते हैं किसी पार्टी को नहीं चुन सकते हैं, पर यहाँ पे हम एक से ज़्यादा किसी पार्टी को चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंट है दोनों के बीच में, और ये पेपर के अंदर ज़रूर आता है, ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो का इंट्रो पार्ट जो है मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि वोट ज़रूरी क्यों होते हैं, उसके बाद चुनाव जरूरी क्यों होता है, चुनाव के प्रकार, और उसके बाद हमने देखा कि भारत ने कौन सा सिस्टम अपना रखा है ये भी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करेगा, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट जरूर करेगा, और खुश रहे, आबाद रहे, गाजियाबाद रहे, और हमारे वीडियो देखते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो वीडियो का कंटिन्यू प्रोसेस होगा इसके बाद। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।